जैसा कि दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा फाउंडेशन बन के तैयार हो रहा है। तो ये दीवार पे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा वजन दीवार पे ही सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो ये 14 इंची की दीवार लगाई गई है, तो हमारा फाउंडेशन इसी पे आए वजन पूरा। ये हम वाटर लेवल से भी चेक कर रहे हैं, हमारा लेग बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा खड़ा रहे, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि ये मैं दिखाना चाहूँगा फ्रंट लेग, ये एक फुट का फाउंडेशन है, इसको थोड़ा हम आधा भरना चाहेंगे, क्योंकि ये गाटर पत्थर का पुराने ज़माने का मकान बना हुआ है, क्योंकि लोड ज़्यादा ना आए। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दीवार पर वजन ट्रांसफ़र करने का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दीवार पे हमने ले रखा है साउथ फेस, हमने 180 डिग्री साउथ फेस दे रखा है इसको 180। तो ये हमारा वाटर लेवल बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे फाउंडेशन ये करीब डबल हम करेंगे, 2 फुट हाइट पे लेंगे फाउंडेशन को, जैसा कि आपको ये वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। अभी 1 फुट का फाउंडेशन लगा रखा है, इसके ऊपर डबल फाउंडेशन करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, पीछे के लिए हमने 2 फुट कर दिया है और हमारा स्ट्रक्चर लग के कम्प्लीट हो चुका है। ये देख सकते हो आप, दीवार ईंट निकाल के फाउंडेशन सेट किया। जैसे हमारे मॉड्यूल भी आ चुके हैं, ये 335 वाट के पॉलीक्रिस्टलाइन लाइन मॉड्यूल हैं हमारे, और आपको हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ये स्ट्रक्चर हमारा, हमने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा दीवार पर देने की। आप देख सकते हो हमने बीम भी बना दिया पीछे वाला, ये साइड आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल गाटर पे आए। और जैसा कि दोस्तों ये हमारे मॉड्यूल आना शुरू हो गए हैं, तो दोस्तों इसको हम लगाना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो हमारी टीम अभी समय वर्क कर रही है, हमारे शिव कुमार भाई मॉड्यूल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, समय आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। तो हमारे होशियार काबिल टीम मेंबर हैं ये, 16 इंस्टॉलेशन करने में, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। हमारे किसान भाई भी लगे हुए हैं हमारे साथ, कन्हैया फौजदार, सौरभ फौजदार और पवन फौजदार जी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जेनुअन काम के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। डबल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ये नीचे से नट बोल्ट डाला जा रहा है 10 mm का SS का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसको टाइट करेंगे, इसके ऊपर फिर हम मिड क्लैंप एंड क्लैंप भी लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी मिड क्लैंप एंड क्लैंप ये साइड में हमारे ये नीचे पड़े हैं, ये GI के मिड क्लैंप एंड क्लैंप हैं। और इसको लगाने का सही प्रोसेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। इस साइड में एंड क्लैंप साइड में हम स्टार्ट करेंगे लगाना, जैसा कि ये मॉड्यूल में हमने साइड में एलंकी द्वारा इसको टाइट कर दिया जाएगा। अब एलंकी द्वारा इसे टाइट किया जा रहा है, दोस्तों डबल प्रोटेक्शन मिला दिया जाएगा इस हिसाब से। फाइनली हमारे मॉड्यूल लग के कम्प्लीट हो चुके हैं, जैसा कि हमने 180 साउथ फेस दे रखा है, आप देख सकते हो। टिल्ट भी हमने दे रखी है उसी हिसाब से, और हमारा वर्क आप देख सकते हो, फाउंडेशन का वर्क देख सकते हो आप। डबल सपोर्ट के लिए दे रखा है हमने, बीम बना दिया है क्योंकि गाटर पे आ जाए, क्योंकि गाटर पत्थर का ये मकान बना हुआ है। और ये आप देख सकते हो दीवारों पे ही हमने 14 इंची की दीवार पे ही हमने ये अपने कॉलम दिए हैं, जिन ज़्यादातर लोड हमने दीवारों पर ही दिया है, क्योंकि बीच में लोड नहीं पड़े, तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट हमने बीच में भी दे दिया, आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाना चाहूँगा, और तो दोस्तों हमारा कंप्लीट लग के हो चुका है। अब थोड़ा वायरिंग का काम रह गया है, नेगेटिव पॉजिटिव वायर हमारे जो निकलते हैं, हमारा MC4 कनेक्टर ये पॉजिटिव वाला है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव है। दोस्तों नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ा जाएगा, तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा MC4 कनेक्टर है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये सही प्रोसेस इसको लगाने का यही है। ये क्लिंपिंग टूल है हमारा, क्लिंपिंग टूल द्वारा इसको सेट किया जाएगा, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा।
ये तो उस वक्त क्लिंप हो चुका है पंच, तो इसको लगा देंगे। तो ये कट की थी आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है हमारा सेटअप हो चुका है। इसको घुमा के भी देख लेंगे, फिर इसको टाइट कर देंगे यहाँ से। तो हमारा कनेक्ट हो चुका है, जैसा कि आपको दिखाई दूँगा। ये हमारा पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाले वायर में कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी स्ट्रिंग चालू हो चुकी है, इस समय स्टार्ट हो चुकी है। हमारे टोटल 10 मॉड्यूल हैं 335 वाट के। तो मैं इसका पैरामीटर भी दिखाना चाहूँगा आपको, जीनस कंपनी का है ये। 335 वाट के मॉड्यूल हैं हमारे। तो ये सीरीज बन के ओके हो चुकी है। तो दोस्तों VOC आप देख सकते हैं, वोल्ट हमारे 395.4 वोल्ट आ रहे हैं इस समय, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए कंटिन्यू। दोस्तों जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये बाल लगा के हमने सेट कर चुके हैं। तो ये हमारे राजा राम भैया लग रहे हैं सेट करने में, जैसा कि आपको ये देरी होगी। इसमें पाइप में 4 इंची का पाइप है, इसमें 3 इंची का लोडिंग डाल दिया गया है, और ऊपर ये हमारा 4 इंची का लेजम पाइप निकाल दिया गया है। इसमें अब अपनी मोनोब्लॉक मोटर लूबी कंपनी की सेट करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे शिव कुमार जी और राजा राम भाई लग रहे हैं मोटर की लेजम पाइप सेट करने में। ये जो मोटर है हमारी लूबी कंपनी की, मॉडल नंबर 353 मॉडल नंबर इस मोटर का, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे लेजम अभी सेट किया जा रहा है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अभी ये अर्थिंग भी दी जाएगी, अर्थिंग रोड 2 मीटर की अर्थिंग भी दी जाएगी। ये वायर हमने लगा रखा है रेड कलर का 6 mm का, जो आपको दिखाई दे रहा होगा मोटर में। सुबह के 5 बज चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी हम ये लाइट से चेक कर रहे हैं VFD लगा के, तो प्रेशर अभी थोड़ा कम है, वोल्टेज कम आ रहे हैं। अभी सोलर से भी हम चेक करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी सिंगल फेस में VFD है क्रोमटोन की, जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये लाइट से भी हम यूज कर सकते हैं इस समय। ये हमने सप्लाई दे रखी है टेस्टिंग के लिए। अभी 5 बज रहे हैं सुबह के, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा प्लांट 100% सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हो पानी की क्वालिटी। तो सोलर से और चलाएंगे इसको दोस्तों 8 बजे करीब। दोस्तों जैसा कि 8:15 हो चुके हैं, थोड़ा पानी का प्रेशर बढ़ रहा है, तो अभी टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, बादल हो रहे हैं। ये हमारा सोलर से ही काम कर रहा है। हमने 335 वाट के 10 मॉड्यूल लग रहे हैं हमारे पॉलीक्रिस्टलाइन। तो जैसा कि आप देख सकते हो करीब हमें 20 मिनट हो गए हैं, 10 से 15 मिनट के लगभग हुए हैं, 20 मिनट के आसपास, आप देख सकते हो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको दिखाना चाहेंगे। प्रेशर हल्का हल्का बढ़ता है, बीच बीच में टूट जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 10:15 हो चुके हैं, तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, तो पानी की भी आप देख सकते हो स्पीड बढ़ गई है। तो दोस्तों जैसा कि हम जेन्युइन काम के लिए जाने जाते हैं, कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल जो प्रॉपर है वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमने रन कर चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो पानी बिल्कुल प्रेशर पे आ रहा है, पूरा देख सकते हो पाइप का पूरा। पूरा पाइप खुल चुका है, फुल पानी भर के चल रहा है। ये पानी आ चुका है, अभी 5 मिनट ही चली है, 5 मिनट में हमारा ये खेत में पानी दे रहे हैं मूंग में। तो आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, 5 मिनट में इतना पानी अभी भर चुकी है। ये हमारे किसान भाई हैं कन्हैया कुमार फौजदार जी और सौरभ फौजदार जी, हमारे किसान भाई। तो जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इनके मुंह में पानी भरा जा रहा है। हेलो।
हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजवासी सचिन चौधरी, सनफ्यूजन एनर्जी इंडिया आगरा से। तो दोस्तों, आज हम नौजिल बाजना की तरफ आए हैं। यहाँ हसनपुर जरेलिया गांव पड़ता है इस जगह। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमने लूबी कंपनी की मोटर लगाई है 3 HP की। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारा ये लग रहा है लूबी का। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको पास जाके, ये हमारी MDS 353 मॉडल का लूबी कंपनी की मोटर लग रही है। और आप पानी देख सकते हो कितना प्रेशर भर के जा रहा है। और हम आपके अब आपको अपने कस्टमर से भी और मिलाते हैं, जैसा कि हमारे कस्टमर हैं मिस्टर पवन फौजदार। तो दोस्तों, हमारे कस्टमर हैं किसान भाई पवन फौजदार जी हैं। तो अभी इनके खेत में ही प्रॉपर पानी चल रहा है, नीचे जानकारी लेना चाहेंगे कैसा रहा है। तो फौजदार जी, बताइए कैसा रहा है सिस्टम? बढ़िया सिस्टम है, 4 इंची पानी फुल आ रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया वर्क कर रहा है और मुँह में पानी चल रहा है सब बस। तो आप संतुष्ट हैं हमारे काम से? बिल्कुल। तो दोस्तों, ये पाइपलाइन जा रही है, पूरा 5 इंची का पाइप है, ये पूरा प्रेशर से जा रहा है पानी भर के मुँह। और ये सामने जो है खेतों में मूंग हो रखी है, तो इसी में पानी अभी सप्लाई हो रहा है, जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको। और नज़दीक और ले जाके दिखाना चाहेंगे आपको। तो दोस्तों, मैं आपको जूम करके और दिखाना चाहूँगा, आपको दिखाई दे रहा होगा पानी। तो दोस्तों, ये माट तहसील में आता है, यह हसनपुर जरेलिया ग्राम है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा सिस्टम इंस्टॉलेशन का सक्सेसफुली रहा है। तो हमारे किसान भाई भी खुश हैं दोनों, कन्हैया फौजदार जी और पवन फौजदार जी। कन्हैया पर तरीबू ले जाओ। हाँ, तो अब कन्हैया जी का लेना चाहेंगे, हमारे मेन काम जो है खेत का यही करते हैं। तो हमें कन्हैया फौजदार जी से रिव्यू लेना चाहेंगे। तो बताइए सर, बढ़िया पानी दे रही है, 4 इंची पानी दे रही है पाइप भरी के, बढ़िया व्यू है। हाँ, बढ़िया मूंग में पानी चल रहा है, बढ़िया सिस्टम लगा है, आगे देखेंगे और भी लगवाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया जी। ठीक है, आप संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए कंटिन्यू हमारे साथ।